ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कलानी महलवर झालेला टीम ओमी कलानीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात भाजप विरोधात नाव न घेता अनेक चिथावणीखोर विधान केली गेली। तसेच मोदीजी गॅरंटीवर सुद्धा टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय। पेट्रोल पंप पे भी गारंटी सब पर भी, पर हमको किसी के गारंटी पर विश्वास नहीं। हमको श्रीकांत शिंदे के गारंटी पर विश्वास है। इसके लिए हमें आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी समर्पित करें। त्यामुळे उल्हासनगर जिल्हा भाजप कार्यकारिणीमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। त्याचाच परिणाम जवार हॉटेलमध्ये झालेल्या महायुतीच्या बैठकीत दिसून आलाय। यावेळी शिवसेनेकडून टीओकेलाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं, मात्र या बैठकीत टीओके पदाधिकारी येताच त्यांचा भाजप रिपाई आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकाऱ्यांनी विरोध करत बैठकीतून बॉयकॉट केला। त्यानंतर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी महायुतीतील घटक पक्षांची समजूत काढली। टीओके पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी महायुतीतील घटक पक्षांशी चर्चा केली आहे, मात्र टीओकेच्या श्रीकांत शिंदे यांना बिनशर्त समर्थनानंतर महायुतीमध्ये मिठाचा खडा पडल्याचं दिसून येत आहे। यावर आता भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी खुलून समोर येत मोदींना लक्ष्य करणाऱ्या टीओके विरोधात काय म्हटलंय पाहूयात। ऐसा वक्तव्य किया है कि हम मोदी को नहीं जानते, हम बीजेपी को नहीं जानते, हम एक श्रीकांत शिंदे को जानते, हम उनको वोट करेंगे। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब सभी सभाओं में कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे जी को वोट देकर एनडीए को कामयाब बनाइए और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। और ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए या मोदी प्रधानमंत्री के लिए अगर अपशब्द बात कहेंगे तो मुझे यह फैसला लेने के लिए खासदार से ही पूछना पड़ेगा कि क्या आपको यह बात तब मान्य है क्या कि जो आपको वोट मिलेंगे वो मोदी जी को नहीं मिलेंगे, केवल आपको मिलेंगे। इसका जवाब तो मुझे लगता है कि श्रीकांत शिंदे साहब ने देना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसे भी कही है उन्होंने कि हम क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने वक्तव्य किया है, इस पर क्या कहना है? क्रिमिनल नहीं है? अरे भाई, सबसे बड़े अगर उल्हासनगर में कोई अपराधी क्रिमिनल है तो ये है। मुझे बताइए, पप्पू कालानी के नाम पर वो वोट मांगते हैं, पप्पू कालानी क्या चुनाव में लड़ सकेंगे? अगर नहीं लड़ सकेंगे तो क्यों नहीं लड़ सकेंगे? उसका कारण है कि उनको न्यायालय ने सजा दी है। उसके बाद अनिल कांजानी जिसने अपहरण का केस लगाया ओमी कालानी के ऊपर, हीरो कुकरेजा, इनका आदमी था लखी नाथानी, ये इनके गुंडों ने अपने ही आदमी के ऊपर, अगर दुकान नहीं बेच रहे थे तो हीरो अपना उनके ऊपर झूठे केस करवाए। इसके बाद राजेश वदरिया जो इनका ही आदमी था, इनको परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि दुर्गा राय के नाम पर इसके ऊपर केस लगाया गया। ये कहते हैं कि हम व्यापारियों को के सुरक्षा के लिए उतरते हैं। और नाम सुनिए, पंकज त्रिलोकानी जो कि एक हफ्ता लेने के लिए लोगों को टिप देता था, किसको देता था वो आपको मालूम है, उसका नाम था सुरेश पुजारी। सुरेश पुजारी को सारी टिप पंकज त्रिलोकानी देता था और ये इनका पदाधिकारी है जो पूरे शहर के व्यापारियों को टिप देता था और उससे पैसा वसूल करता था। और ये कालानी कहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। और सुनिए, नरेश दुर्गानी जो कल उनके पास बैठे थे, उस नरेश दुर्गानी के ऊपर ओमी कालानी ने केस कराया, वो रो रहा था, हमारे पास आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बचाया। और सुनिए, मनोज लासी जिसको स्टैंडिंग कमेटी में ओमी कालानी ने मारा, कहा इस्तीफा दे दे नहीं तो तेरी जान ले लूंगा, उसको हम लोगों ने बचाया और इस्तीफा नहीं देने दिया। और सुनिए, राजेश टेकचंदानी जिसको डराया, उसके ऊपर केस करने का डर दिखाया, इस डर की वजह से उन्होंने बीजेपी का पाला छोड़कर उनका पाला पकड़ा। और सुनिए, गुड्डू सुखरामानी जिसको ओमी कालानी ने रस्ते पर मारा, उसके ऊपर 307 का आज भी केस चालू है। और सुनिए, मोती दुसेजा जिसके घर में, जिसके दुकान में पिस्तौल रखी गई, यह काम किसने किया? यह काम किया कमलेश निकम ने।
और सुनिए, 306 का केस जो उनके ऊपर चढ़ा, नंदू ननावरे के भाई ने उंगली काटी, उसके लिए कमलेश जेल में गया, इससे बड़ा क्रिमिनल और कौन हो सकता है। और सुनिए, अपने आप को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारे इनकी जो गैंग भरी हुई है, ये क्रिमिनलों से भरी हुई है, ये गुंडों का घर है, इनके यहाँ पर गुंडे पलते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता हूं कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन गुंडों की हम समर्थन ले। ऐसे गुंडे अगर उत्तर प्रदेश में होते तो यहाँ तो ये लोग मिट्टी में मिल जाते या इनकी जगह जेल में होती। कल के वक्तव्य को लेकर आज जवाहर होटल में एक सर्वपक्षीय एक मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में क्या हुआ, उसमें टीओके के लोग भी आए थे, उस मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, हमारे साथ एनडीए के जो घोषित पक्ष हैं उसमें है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजीत पवार गुट, मनसे, आरपीआई आठवले गुट, और आरपीआई जो प्रमोद काले जी की है पीआरपी, ये लोग हमारे ऑफिशियली गट के लोग हैं। बाकी कोई ऐरा गैरा नथु खैरा हमारे बैठक में बैठेगा तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। तो क्या उन्हें बाहर बिठाया, क्या किधर क्या किया उनके साथ? बस ये संदेश हमने दिया और उस तरह से हमारे साथ अलग मीटिंग की गई और उनके साथ अलग मीटिंग की गई। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि हमारे जो ये वक्ता हैं, जिसे अगर गुंडा कहा जाए, गली का गुंडा कहा जाए, कमलेश निकम जी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनसे ज़रा पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के निशान पर ही आप चुनकर आए थे, इससे पहले आप घड़ियाल के चुनाव पे लड़े थे तो बदाने के सामने बुरी तरह से हार गए थे। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान मिला तो आपकी भाभी जीत कर आई, इसके लिए जो आप नगर सेवक बने हो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत बने हो, और आप कहते हो कि हम लोगों ने 43,000 वोट लिए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कुमार आइलानी 2,000 वोटों से जीता। जिस घड़ियाल के निशान पे आपने 43,000 वोट लिए थे ना, वो घड़ियाल अजीत पवार के पास है, अजीत पवार हमारे पास है। और रही बात जो शरद पवार का गुट जो बचा है राष्ट्रवादी का, वो वहां भी आप नहीं है, केवल आप टीओके के छोटे गुंडों के समूह की पार्टी है जिसकी ताकत 2 से 3 हजार वोटों से ज्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे खासदार को ऐसा लगता है कि 2-3 हजार वोट भी चाहिए तो लेना चाहिए, हम भी बड़े सकारात्मक रूप से यह चाहते थे कि ये हमारे साथ रहें, लेकिन जब वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निशाना लगाने लगे, मोदी जी के ऊपर और एनडीए के ऊपर निशाना लगाने लगे, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐरे गैरे नथु खेरे पक्षों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो किसी तरह का, मेरे हिसाब से अगर वो दे रहे हैं समर्थन तो केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर वह श्रीकांत शिंदे को समर्थन नहीं देंगे तो वह जेल में चले जाएंगे, जेल के डर से यह समर्थन दे रहे हैं। यह दोस्ती निभाने के लायक कालानी परिवार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कालानी परिवार का सबसे अच्छा दोस्त हमारा मंत्री रविंद्र चौहान करता था। उन्होंने किस तरह से चौहान साहब के साथ गद्दारी की और आज भी इनके नगर सेवकों के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है। ये कहते हैं हमारे पास 23 नगर सेवक हैं, मैं बताता हूं, कहता हूं कि 9 के भी नाम दे दें, केवल इनके पास 9 नगर सेवक हैं, वो भी वही नगर सेवक हैं जो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। हमारे पास कई बार आते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में एंट्री दो, लेकिन हम ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। इसके लिए ये झूठे जो शहर को दिखाकर जिस तरह से उन्होंने सत्यानाश किया है शहर का, इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दें और अपनी गुंडा कर दी छोड़ें, ऐसी मैं सलाह दूंगा। कल के मीटिंग में श्रीकांत शिंदे जी ने एकदम शायराना अंदाज से टीम भूमिका लेने को बताया कि हम दोस्ती निभाने वाले लोग हैं, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, राजनीतिक मजबूरियां हैं, आज श्रीकांत जी को उनकी जरूरत है, उनको श्रीकांत जी की जरूरत है। राजनीतिक मजबूरियों में दिए गए बयानों का बहुत गहरा असर नहीं होता है। मुझे ये पता है कि जितने भी लोग हैं, इनके जितने भी हैं,
ये इनके पास ये जो है दादागिरी से राज करते हैं, इनके जितने अपने लोग हैं इनके ऊपर वो सबसे पहले केस करवाते हैं, जिसके माँ नाम दिए लखी नाथानी, राजेश वद्रिया, राजू जग्यासी, नरेश दुर्गानी, नंदू ननावरे, मनोज लासी, राजेश टोकचंदानी, पंक, ये सारे जितने भी हैं ये इनके खुद के लोग थे जो हमारे पास आए, तो इनके ऊपर ये झूठे केस भराते हैं। ये किसी व्यापारी की सुरक्षा नहीं करते, ये केवल राजनीति में व्यापार करते हैं, लेन देन का सौदा करते हैं। आज भी बड़ा हवा खड़ा करके श्रीकांत शिंदे जी से सौदेबाजी करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें अगर कोई बोला गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसीलिए हमारे खासदार जरा इनसे सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट है पूरी नींव हिला देने वाली स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट अगर खासदार के सामने, श्रीकांत शिंदे के सामने बोली गई है और श्रीकांत शिंदे जी का ध्यान नहीं गया है तो ये बहुत अफसोस की बात है। श्रीकांत शिंदे जी समर्थन देने के लिए कहीं भी जाएं, किसी बैठक में जाएं, जिसका समर्थन मिले उनका लेना चाहिए, लेकिन जिस नेता के जरिए हम पूरे देश में हम वोट मांग रहे हैं और मोदी जी की गारंटी के ऊपर ही कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। क्योंकि कई कार्यकर्ता इस बात के लिए मेरे पास आए और नाराज दिखे, क्योंकि मोदी जो एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर हम पूरे भारत में 400 सीट का नारा कह रहे हैं, और एक छोटी सी पार्टी जिसका जो पूरा जो अपराध के ऊपर उनका राजकारण चलता हो, इस तरह की पार्टी अगर खासदार के सामने ये शब्द बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद खासदार का इस बारे में बात पर ध्यान नहीं गया होगा। जब उनका ध्यान जाएगा तो अवश्य इसके ऊपर दखल लेंगे। नानी जी, कमलेश निकम और ओमी कांदानी द्वारा ये कहा गया है कि श्रीकांत शिंदे को जो टीओके पार्टी समर्थन दे रही है वो निस्वार्थ, मतलब उसमें कोई शर्त नहीं है, और वो यारी दोस्ती की कसमें खा रहे हैं कि हम एक केवल यारी के वजह से उनको दोस्ती में हम लोग समर्थन दे रहे हैं। देखिए कालानी, जिसके शब्द में ही काला शब्द आता है, इनके दिल में कितना कालापन है इसका उदाहरण, इनके यहाँ पर शरद पवार जी आए, उनको कहा कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपको ही समर्थन करेंगे। फिर अजीत पवार जी आए, उनको भी समर्थन दे रहे थे, रविंद्र चौहान साहब को भी ये समर्थन देते रहे हैं। ये कालानी जो हैं ये कभी किसी को दोस्ती नहीं करते, ये केवल भय के कारण हम समर्थन दे रहे हैं श्रीकांत शिंदे को। उन्हें पता है कि ये अपराध के लोग हैं, अगर समर्थन नहीं देंगे तो जेल में चले जाएंगे, और ये अपनी बड़ बड़ा दिखाकर कि हमारे पास ज़्यादा नगर सेवक हैं, अगर ज़्यादा नगर सेवक होते इनके पास 35 नगर सेवक, जिस तरह से कहा कमलेश जी ने कि हमारे पास 35 नगर सेवक है, तो फिर इन्होंने महापौर अपना क्यों नहीं बनाया, क्यों अरुण आसान की माता लीलाताई आसान को दिया। केवल 9 वोट थे, जो 9 वोट क्रॉस हुए उनके ऊपर आज भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। इनके पास केवल 9 नगर सेवक हैं, ये ज्यादा अपना कुनबा दिखाने के लिए राजनीतिक सौदेबाजी श्रीकांत शिंदे जी से कर रहे हैं, और श्रीकांत शिंदे जी को इनकी राजनीतिक सौदेबाजी से बचना चाहिए। प्रदीप जी, आप हाल ही के दिनों में ओमी कालानी के जन्मदिन पर, पप्पू कालानी के जन्मदिन, अपना शिष्टमंडल लेके वहां पर खुद जाते हो, और आज कहते हो कालानी परिवार किसी से दोस्ती नहीं निभाता है, उसके नाम में ही कालापन नजर आता है, तो ये अचानक थोड़े दिनों में इतना फास्ट परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए मैंने कई बार कहा है कि राजनीति में हम जब जीवन जीते हैं तो हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, प्रतिद्वंद्वी हैं। किसी के जन्मदिन पर जाना, किसी के विवाह पर जाना, किसी के मृत्यु पर जाना, ये एक शिष्टाचार का विषय है। पप्पू कालानी जी भी हमारे पास आते हैं, ओमी जी भी हमारे को फोन पर बधाई देते हैं। कृपया इन चीज़ों को राजनीतिक रूप में न लिया जाए, व्यक्तिगत संबंध हमारे सभी के साथ अच्छे रहते हैं। कई बार वह शहर के 4-4 बार विधायक बन चुके हैं, लोगों ने उनको चुना है, तो इतनी तो इंसानियत मानवता होनी चाहिए कि हमारे वैचारिक कितने भी मतभेद हों लेकिन
हमारे बातचीत के संबंध कभी टूटने नहीं चाहिए। गम पर, खुशी पर, हर जगह पर आना जाना होना चाहिए, ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। या प्रदीप रामचंदानी यांच्या टीकेनंतर याला टीओके कडून काय उत्तर दिलं जात आहे याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।